वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में यही क्वेश्चन हम कर रहे थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जिसके क्वेश्चन लगा रहे थे हम, तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि फादर इज़ 4 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब 4 गुना फादर अपने बेटे से 4 गुना एज में, 4 गुना है। ठीक है, 5 साल के बाद जो एज का जो वो हो रहा है, रेशियो हो रहा है, या फादर अपने बेटे के कितने गुना है, वो तो 3 times, ये देखिए 3 times हो जा रहा है। ठीक है, 5 साल के बाद, और फर्दर 5 साल के बाद फादर कितना गुना होगा अपने बेटे के एज का, वो हमें निकालना है। देखिए, देन फर्दर 5 ईयर, हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज सन्स एज। ओके, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो प्रेजेंट में तो ये दिया है कि फादर अपने बेटे से 4 times है, तो हम करते हैं इसको, फादर और सन के बीच का जो रेशियो है 4:1 है, क्योंकि 4 times अपने बेटे का, अगर सन का एज 1 है तो फादर का 4 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 5 साल के बाद 3 times हो रहा है। ओके, तो ठीक है, 5 साल के बाद जो है 3 गुना हो रहा है एज, तो हमारे पास 2 रेशियो है। हम क्या करते थे, हम सबसे पहले डिफरेंस देखते थे, डिफरेंस देखिए इन दोनों 0 है और इसमें 1 है, तो हमने जितना भी लास्ट जितने भी क्वेश्चंस बनाए थे जिसमें डिफरेंस सब में सेम आ रहा था, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, बट इसमें डिफरेंस तो सेम नहीं आया। तो इस केस में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब डिफरेंस सेम नहीं है तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंस सेम बनाएंगे, जब तक डिफरेंस नहीं बनेगा, सेम नहीं बनेगा इन दोनों का डिफरेंस, तब तक अपन आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे इस केस में अपन इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इसमें दोनों में 3 का है, इसमें 2 का है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस टू को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है दोनों, और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है इस रेशियो में पूरा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 4 2 8 बन जाएगा, और 2 1 2 बन जाएगा, और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 1 3। अब देखिए यहाँ 1 1 आ गया, रेशियो सेम फादर और। ठीक है, ये है आपका, ये है प्रेजेंट और ये है आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए, ये जो प्रेजेंट और आफ्टर 5 ईयर्स के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1 का है, लेकिन एग्जैक्टली में कितने का डिफरेंस है, ये 5 साल का है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 साल। जब 1 बराबर 5 साल आ गया तो हमें निकालना क्या था, 5 साल के बाद तो 3 गुना डिफरेंस, 3 गुना था फादर का सन से एज से। ठीक है, उसके 5 साल बाद कितने गुना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस रेशियो की मदद से, इस रेशियो से हम पहले प्रेजेंट एज, उस 5 साल के बाद का एज निकालेंगे फादर और सन का, तो फादर और सन का जो 5 आया है, तो 5 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से, तो 5 9 = 45 और 5 3 = 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फादर और सन का एज आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, बट उसके भी 5 साल के बाद हमसे पूछा, तो उसके 5 साल के बाद, उसके भी 5 साल के बाद, उस आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया। अब रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो ये आ जाएगा 5:2। अब ये बताइए, ये सन का है और ये फादर का है, कितने गुना है, ये ऑब्वियस बात है, ये दिख रहा है मेरे को 2.5 times है, 2.5 times, इसमें 2 में 2.5 times से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये जो आंसर है हमारे पास 2.5 होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये 2.5 times है, 2.5 times एज होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप, रेशियो गिवन था, जब रेशियो डिफरेंस सेम ना हो तो डिफरेंस सेम करते हैं अपन दोनों के रेशियो, इन दोनों को देखते हैं कितना डिफरेंस है, और जो भी डिफरेंस है वो इस वाले डिफरेंस को पहले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और पहले वाले रेशियो में सेकंड के साथ, तो हमारे पास ये आ जाता है, उसके बाद डिफरेंस बराबर हो जाता है। डिफरेंस जैसे ही बराबर होगा हम रेशियो बराबर कर लेंगे, रेशियो निकालने के बाद बस उसके बाद तो सेम प्रोसेस सारा सेम है, ये 45 आ गया था, 15 आ गया था, लेकिन उसके 5 साल के बाद पूछा था कितने टाइम्स होगा। ठीक है,
तो 2.5 टाइम्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स, ठीक है। और बोल रहा है 6 ईयर्स पहले फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी, ठीक है। तो सम दिया है फादर और सन के बीच का 60 ईयर्स, 60 साल पहले 5 गुना था, और हमें निकालना क्या है, 6 साल बाद निकालना है सन्स एज, बेटे की उम्र निकाली 6 साल बाद। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ए प्लस, अगर ए की उम्र, ए प्लस बी की उम्र अगर मैं 50 बोलूँ, ठीक है, तो ए प्लस बी अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर कोई दो आदमी हैं ए और बी, दोनों के सम का एज अगर 50 है, हाँ, जिसमें ए की उम्र 30 साल है और बी की उम्र 20 साल है, तो मैं आपसे ये बोलूँ कि 10 साल में ए और बी की सम का एज क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे 60, अभी 60 नहीं होगा। अब ये बताइए, सम ऑफ ए है और सम ऑफ बी है, तो दोनों में 10 ईयर्स बढ़ेंगे ना, 10 साल 10 साल, तो ये 30 प्लस 10 और 20 प्लस 10 कितना हो गया, ये 40 प्लस 30 टोटल 70 हो गया, 60 नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ओके, तो फादर प्लस सन की जो एज है वो 60 ईयर्स दी हुई है, ठीक है ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स फादर्स एज वाज 5 टाइम द एज ऑफ सन, 6 साल के बाद फादर और सन के बीच का जो रेशियो है वो 6 ईयर्स के बाद कितना है, 5:1, 5 टाइम्स है, ठीक है। तो 6 साल के बाद सन की एज पूछा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए मेरे को आप लोग कि ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज में फादर और सन के भी जो सम है, एज का सम है वो 60 ईयर्स है, तो 6 साल क्या, 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले क्या होगी, 6 साल पहले, ठीक है। तो अपन 6 साल पहले, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता है फादर प्लस सन 60 ईयर्स है, ठीक है, तो 6 साल के बाद जो रेशियो है फादर और सन के बीच में वो कितना है, 5 टाइम्स, तो 5:1। अब ये बताइए, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि 10 साल बाद दोनों में 10-10 ऐड होता है, उसी टाइप से जब अभी 60 साल है तो 6 साल पहले कितनी होगी, इसमें से भी -6 होगा, इसमें से भी -6 होगा, क्योंकि जब हम प्लस 10 दोनों में कर रहे थे, प्लस 10 ए में भी कर रहे थे और प्लस 10 दोनों बी में भी कर रहे थे, उसी हिसाब से 6 साल पहले चलेंगे तो ए से भी, फादर से भी 6 साल माइनस होगा, सन से भी 6 साल माइनस होगा, जब दोनों से 6 साल माइनस होगा तो यहाँ 60 में से टोटल 12 माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 48। तो 6 साल पहले जो फादर और सन की जो सम होगी ना, एजेस की सम, वो 48 होगी। ये समझ में आ गया आप लोगों, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये 48 होगी। और हमें रेशियो दिया हुआ है फादर और सन का 6 साल पहले का, 5:1, बस हो गया ना, 5 प्लस 1, रेशियो में से 5 और 1 दिया है और टोटल सम है 48 दिया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6:48 हो जाएगा, तो 1:48 आ गया। जब 1:8 हो गया तो आफ्टर 6 साल के बाद पूछा है बेटी की उम्र, तो हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं सन की। तो ये बताइए, 6 साल पहले बेटी की रेशियो क्या थी, 5:1, ठीक है, तो
ये वन वन की वैल्यू एट आ चुकी है हमारे पास, तो इस एट को यहाँ इस रेशियो से निकालेंगे अपन, तो क्या आएगी सन की एज 8 × 1 8 ईयर्स, ये 8 ईयर्स क्या आई है 6 साल पहले। अब 6 साल बाद क्या होगी, 6 साल बाद 6 ईयर्स बाद इसमें ऐड कर देंगे 6 8 6, ये 14 साल, ये 14 साल क्या आई है प्रेजेंट एज, ये 14 साल क्या आई है हमारे पास प्रेजेंट एज, बट उसने 6 साल और बाद पूछा है तो इसमें प्लस 6 करेंगे। अब हाँ ये गए हमारे पास फाइनल आंसर, ये है हमारे पास आंसर। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज पूछा है ना, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास प्रेजेंट एज से 6 साल पहले का रेशियो। जो हमारे पास प्रेजेंट एज था ना, वो हमारे पास सिर्फ ये दिया था, समेशन दिया हुआ था फादर प्लस सन 60 ईयर्स, और 6 साल पहले रेशियो दिया था। तो हमने जो रेशियो 1 = 8 निकाला, इस 8 को मैंने 6 साल प्रेजेंट से 6 साल पहले वाले एज निकाला है, इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने। सन निकालना था मेरे को, सन का रेशियो 1 था यहाँ पे, तो इस 8 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ईयर्स आ गया। तो ये 8 ईयर्स क्या है, प्रेजेंट एज से 6 साल पहले का है। तो उसमें जैसे ही मैं 6 साल ऐड करूँगा, 6 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे 6 था, 6 साल पहले दिया हुआ था हमारे पास डेटा गिवन। तो ये जो आया मेरे पास, ये जो 8 ईयर्स आया, ये 6 साल पहले का, तो 6 साल पहले का आया तो उसमें प्लस 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट एज आ जाएगा उस लड़के, मतलब उसके बेटे का हमारे पास प्रेजेंट एज आ गया 14 ईयर्स, 14 साल आ गए हमारे पास उसके बेटे का प्रेजेंट एज। लेकिन हमें प्रेजेंट एज नहीं पूछा, हमसे पूछा 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स। तो हमेशा जब आफ्टर 6 ईयर या बिफोर 6 ईयर पूछता है ना, तो हम लोग हमेशा बेस क्या लेते हैं, प्रेजेंट वेज या प्रेजेंट वैल्यू को हमेशा हम लोग बेस लेते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं थी अभी, प्रेजेंट वैल्यू कब आई, जब प्लस 6 ऐड किया हमारे पास तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 14। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसमें प्लस 6 ऐड करेंगे तब जा कर के हमें आंसर मिलेगा कि आफ्टर 6 ईयर्स एज ऑफ सन इज़ 20 ईयर्स, ये हो गई उसकी एज 20 ईयर्स। ओके, तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज़ 3:4। ओके, तो पी और क्यू के बीच का जो रेशियो है 3:4 में गिवन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 13 साल के बाद क्यू विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन पी। जो 13 साल के बाद है, Q जो है 5 साल बड़ा होगा P से। अच्छा ये बताइए, अभी जो P और Q का जो एज का रेशियो है 3:4 है, ठीक है। अच्छा मैं ये बोलता हूँ कि अगर राम 30 साल का है और मान लेते हैं श्याम 28 साल का है, ठीक है। तो आज के डेट में अगर राम 2 साल बड़ा है श्याम से, तो क्या 10 साल बाद, क्या 4 साल का गैप आ जाएगा दोनों के बीच में। अभी 2 साल का है तो 2 साल के बाद भी 2 साल का ही होगा ना। अगर ये 32 होगा तो ये 30 होगा फिर, ठीक है। अगर ये 34 होगा तो ये 32 होगा, हमेशा 2 साल का ही गैप रहेगा इन दोनों के बीच में, है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर पी और क्यू के बीच में डिफरेंस कितने का भी है, 5 साल का है, तो वो हमेशा 5 साल का ही रहेगा। लेकिन अभी कितना दिया है इसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से तो 1 का है, लेकिन एग्जैक्टली में कितना है, 5 ईयर्स का है, 5 साल का है, 13 साल। ये जो डेटा है इसका कोई इसका ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है, इससे कुछ नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि 1 साल दे, चाहे 12 साल दे, चाहे 13 साल दे, 15 साल दे, कितने भी साल दे, वो जो गैप है, जो 5 ईयर्स बड़ा या छोटा जो है, वो हमेशा इतने ही साल बड़ा रहेगा, वो 5 साल ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं प्रेजेंट में तो रेशियो में तो 1 का गैप है, लेकिन एग्जैक्टली में कितना है, 5 साल का है, तो 1:5 है। अब वो ही पूछा है व्हाट इज़ पी प्रेजेंट एज, 1:5 हमें रेशियो मिल गया, तो ये 5 को उठा के ये इधर पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15 ईयर्स पी की हमें वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 93 ईयर्स। ओके,
Whereas, जबकि 10 साल पहले 10 years ago, ratio of their ages was 4:3:2. Find the present age of A and B and C. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर A का एज अगर अभी 30 साल है, B का अगर 20 साल है, दोनों का सम A प्लस B अगर 50 साल का है, तो आपसे मैं पूछूं 10 साल पहले एज क्या होगी, तो 10 साल पहले दोनों के सम का एज क्या होगा, तो 2 साल पहले दोनों के सम का एज 40 ना होगा, 40 ना हो करके, क्योंकि दोनों में से 10-10 माइनस करना है, इसमें से भी -10, इसमें से भी -10 करना पड़ेगा, तो क्या होगा हमारे पास, इसमें से करेंगे ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, मतलब 30, तो टोटल 20 साल में 30 ईयर्स होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप, है ना। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको फिर से बता दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है इसमें, प्रेजेंट जो सम दिया हुआ है ना एजेस का, वो दिया 93 ईयर्स, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिया है, 93 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, 10 साल पहले जो रेशियो दिया है, 10 साल 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले जो रेशियो क्या दिया है, वो रेशियो दिया 4:3:2। तो अब मेरे को ये बताइए, अब भी प्रेजेंट में ये प्रेजेंट सम 93 है, तो 10 साल पहले क्या होगा, 83, बहुत बच्चे 83 करेंगे और ये 4 3 7 8 9 को 83 से इक्वेट करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी अगर 93 है तो 10 साल पहले जो है वो इसमें से भी 10 साल माइनस होगा, इसमें से भी 10 साल माइनस होगा और इसके इससे भी माइनस होगा 10 साल, जब तीनों से माइनस होगा तो टोटल कितने होंगे, टोटल माइनस 30 होंगे। ठीक है, जब टोटल माइनस 30 होंगे तो 93 - 30 63 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये होगा, तो जो हमारे पास एज आएगी 10 साल पहले वो 63 ईयर्स आएगी। ठीक है, अब क्या है कि हमें रेशियो तो दिया है और हमें समेशन पता चल गया है 63 है, तो 4 3 7 8 9, ठीक है, तो 9 = 63 ईयर्स, ये हो गया हमारे पास। जब ये हो गया तो यहाँ से निकाल लेंगे 7 9 = 63, तो 1 का रेशियो कितना आ गया, 7 ईयर्स। अब क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी, तो अब ये बताइए, एक रेशियो बराबर 7 आ चुका है, तो 10 साल पहले का इसका रेशियो, इसके मदद से ये वाला रेशियो निकल जाएगा 10 साल पहले का, प्रेजेंट एज के 10 साल पहले का तो निकल जाएगा ना, क्योंकि रेशियो हमारे पास गिवन है 4:3:2, 10 साल पहले का हमारे पास क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 4:3:2, ये 10 साल पहले का है। ठीक है, 10 ईयर्स अगो ये रेशियो हमारे पास है और हमें पता है, हमें वैल्यू मिल चुकी है, 1:1 की वैल्यू 7 ईयर्स आ चुकी है, तो बस इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 × 4 = 28 साल आ जाएगा ए का, ये ए का एज आ जाएगा, और ये 21 ये बी का आ जाएगा, ये 7 × 2 = 14 ये सी का आ जाएगा। ये कब आया, 10 साल पहले आया, हमें प्रेजेंट एज निकालना है, तो 10 साल बाद आगे चलना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है 10-10 ऐड कर देंगे, तो ये जब ऐड होगा +10 तो ये 38 साल हो जाएगा, और ये +10 ऐड होगा तो ये 31 साल हो जाएगा, +10 ऐड होगा तो ये 24 साल हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यही एज, ये है पूरा आंसर, ए बी सी का एज 38, 31 और 24 आ गया। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में ये कह रहा था प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ था 93 ईयर्स और 10 साल पहले का रेशियो हमें गिवन था। ठीक है, रेशियो गिवन था, अब जब प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ 93, ठीक है, और रेशियो 10 साल पहले का दिया हुआ है 4:3:2, तो हम क्या करेंगे कि जब अभी 93 दिया हुआ है तो 10 साल पहले चलेंगे तो क्या होगा, 10 साल पहले चलेंगे तो ए से भी 10 साल जाएगा, बी से भी 10 साल जाएगा, सी से भी तो 10 साल जाएगा ना, सबका अपना इंडिविजुअल एजेस है, तो टोटल माइनस 30 करना पड़ेगा, तो माइनस 30 करेंगे तो 63 आ जाएगा, तो 63 हमारे पास समेशन आ गया, 63 समेशन आ गया, ए बी सी का समेशन आ गया 10 साल पहले का 63 ईयर्स। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि ए की कितना है, बी की कितना है,
और सी के कितना है, लेकिन हमें ये पता है एक ए बी सी का रेशियो पता है 4:3:2। तो जब रेशियो को सम करेंगे तो वो सम जो रेशियो होगा वो 63 के बराबर होगा, तो 9:63 के बराबर हो जाएगा। जब 9:63 के बराबर होगा तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1:7 ईयर्स आ जाएगा। तब 1:7 ईयर्स आ गया तो रेशियो के हेल्प से हम 10 साल पहले का एज निकाल लेंगे ए बी सी का। तो 4:3:2 ये तो रेशियो था और 1 की वैल्यू हमें पता थी, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 4 = 28, ये 28 आ गया, 7 × 3 = 21 और 7 × 2 = 14, ये 10 साल पहले की एज आ गई ए बी सी की। अब हमें चाहिए था प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज चाहिए तो 10 साल बाद 10 ऐड कर देंगे, तो 28 में 10 ऐड कर देंगे तो ये 38, 21 में 31, 10 में 24, ये आ गया प्रेजेंट एज हमारे पास। सो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ। ओके, नाउ मतलब प्रेजेंट का दे दिया है हमें। 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो देयर एज वर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि नाउ मतलब सम दे दिया हमें फादर और सन के बीच का 100 ईयर्स, 5 साल पहले रेशियो हमें दिया 2:1, अब हमें रेशियो निकालना है फादर और सन का 10 साल के बाद। तो फादर प्लस सन ये दोनों का एज कितना दिया है 100 ईयर्स, ठीक है। 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो देयर रेशियो क्या दिया है 5 साल पहले, ये 5 साल पहले जो रेशियो दिया है हमें 2:1 दिया है, ठीक है, 5 साल पहले दिया है। तो हमें अब तो बहुत सिंपल है, 5 साल पहले मतलब इसमें से भी -5, इसमें से भी -5, मतलब -10 टोटल। तो -10 इसमें से करेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा फादर और सम के बीच का हमें रेशियो गिवन दिया है और सम हमें पता चल गया है, ठीक है, सम पता चल गया 90। तो क्या करेंगे, 2 + 1 = 3 = 90 कर देंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 1 की वैल्यू 30 आ गई, हमारे पास 1 का रेशियो आ गया 30। जब हमें 1 का रेशियो आ गया तो अब हमें ये बता दीजिए आप कि जब 1 की वैल्यू आ गई तो क्या हम 5 साल पहले का एज नहीं निकाल सकते फादर और सन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 5 साल पहले जो एज क्या होगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 30 को जब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये आ गया 5 साल पहले, ये 5 ईयर्स अगो का एज आया है फादर और सन का, ठीक है। अब 5 साल पहले, तो 5 साल बाद क्या आएगा, ये 5 साल, ये तो 5 साल पहले आया है, 5 साल पहले, तो 5 साल बाद क्या आएगा, जब 5 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा, तो ये 65 और ये 35। देखिए ऐड करके 100 ईयर्स आना चाहिए क्योंकि सम तो टोटल 100 ईयर्स दिया था प्रेजेंट का, एफ प्लस फादर और सन का 100, तो ये 65 + 35, ये 100 ईयर्स आ गया ना, आ गया, बिल्कुल आ गया, मतलब सही है ये, बिल्कुल 65 + 35। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रेजेंट एज, हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज दिया हुआ है, ठीक है, 65 35। लेकिन उसने पूछा क्या क्वेश्चन, उसने पूछा है रेशियो निकालना फादर सन का 10 साल के बाद, 10 साल के बाद निकालना, तो ऑब्वियस सी बात है +10 + 10 दोनों में करेंगे तो +10 करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और इसमें +10 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। बट हमें क्या निकालना, रेशियो निकालना, रेशियो निकालता 5 × 45 = 5 × 5 = 25, ठीक है, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। दिस इज द फाइनल आंसर, 5:3, ये है आंसर हमारे पास रेशियो फादर और सन का, फादर और सन के बीच जो रेशियो आया हमारे पास ये आया 5:3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे किया हमने, फादर और सन के बीच का सम दिया होता 100 ईयर्स और 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, आप ध्यान से देखिएगा प्रीवियस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इसे सम दे दिया 100 ईयर्स और 5 साल पहले का रेशियो दिया है, ठीक है। तो 5 साल पहले क्या होगा दोनों का सम, तो 5 फादर से में जाएगा, सन से में जाएगा 5 साल, तो दोनों 10 साल जाएंगे तो 90 ईयर्स हो जाएगा सम, और हमें रेशियो दिया है 2 + 1 = 2 और रेशियो 1 दिया हुआ है, तो 2 + 1 = 3 = 90 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, 1:30 आ गया। तो हम 5 साल पहले का एज निकाल सकते हैं, ये 2:1 से हम 5 साल पहले, ये 2:1 से 5 साल पहले का हम निकाल सकते हैं एज क्या होगा फादर और सन का, ठीक है।
तो 30 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 30 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पाँच साल पहले का आया है हमारे पास एज 60 और 35। तो जब 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो 65 और 35 की हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि 10 साल के बाद क्या रेशियो होगा। तो प्लस पहले 10 करेंगे, प्लस 10 दोनों में करेंगे, सॉरी 65 प्लस 10 75, 35 प्लस 10 45। ये आ गया हमारे पास एज, एग्जैक्ट एज आ गया हमारे पास फादर और सन का। दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो 5:3 आ जाएगा हमारे पास। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और मटेरियल के लिए PDF वगैरह आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल एक बार आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके, बाय, थैंक यू।